अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म का नाम है खिलाड़ी 786। फिल्म इंडस्ट्री के ओरिजिनल ट्रू ब्लू खिलाड़ी से जब ये पूछा जाता है कि 20 साल बाद भी अक्षय कुमार को लोग सिर्फ खिलाड़ी के नाम से जानेंगे, इज दैट ओके विद अक्षय? अक्षय कहते हैं खिलाड़ी का टैग उनकी आइडेंटिटी है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 20 या 30 साल बाद भी लोग उन्हें अक्षय कुमार नहीं खिलाड़ी कुमार कहकर पुकारे। उनका कहना है कि खिलाड़ी सीरीज उनकी सबसे सक्सेसफुल सीरीज में से एक है और खिलाड़ी नाम से ही करीब 8 फिल्में बन चुकी हैं और सारी फिल्में बेहद पॉपुलर हुई। इस 20 साल पुराने टाइटल से टैग होने में अक्षय कुमार को कोई भी परेशानी नहीं है। 1992 में आई थी पहली फिल्म जिसका नाम था खिलाड़ी और उसके बाद मैं खिलाड़ी, टू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी नंबर वन, एटसेट्रा एटसेट्रा, कई खिलाड़ी नाम की फिल्में आईं और अब इंतजार है खिलाड़ी 786 का। वैसे जब अक्षय कुमार से पूछा जाता है कि खिलाड़ी का मतलब होता है प्लेयर और फिल्मों के अलावा क्या वो असली लाइफ में भी प्लेयर है, तो अक्षय कुमार का कहना है कि असली लाइफ में प्लेयर होने की बात तो उन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन वो एक बात जरूर जानते हैं कि एक प्लेयर एक हेल्दी और एथलेटिक इंसान होता है और वो है, वो अपने सारे एक्शंस और स्टंट्स ऑन स्क्रीन खुद ही करते हैं। लेकिन अगर प्लेयर का कोई दूसरा मतलब निकाल कर अक्षय कुमार से पूछा जा रहा है तो अक्षय कहते हैं कि शादी के पहले जरूर वो एक प्लेयर यानी कि लड़कियों के बीच में खिलाड़ी थे, लेकिन शादी के बाद वो सीधे साधे हैप्पी मैरिड हस्बैंड बन चुके हैं। सही कहा अक्षय, शादी से पहले अक्षय कुमार कितने बड़े प्लेयर थे वो तो उनकी गर्लफ्रेंड्स के नामों की लंबी लिस्ट से पता लगाया जा सकता है, जिसमें टॉप पर नाम आता है शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन का। वैसे जब अक्षय से ये पूछा जाता है कि अक्षय अपनी फिल्मों के अलावा बाहर की फिल्मों में ज्यादा काम क्यों नहीं कर रहे, जैसे कि यश चोपड़ा कैंप में या फिर करण जौहर के साथ, तो अक्षय कुमार का रिप्लाई आता है कि करण जौहर उन्हें अपनी फिल्मों में लेते ही नहीं है, शायद करण अक्षय कुमार को अपने लेवल का नहीं समझते। ये कहना है खुद अक्षय का। अब ऐसी बातों पर स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करने वाले करण जौहर का अक्षय कुमार के इस कमेंट पर क्या जवाब आता है, ये हम आपको जरूर बताएंगे।